मासिक मूल्यांकन जनवरी 2019 विषय पर्यावरण कक्षा तीसरी। यहां देखेंगे प्रश्न क्रमांक ए, नीचे दी गई खाने पीने की वस्तुओं को निर्धारित कालम में भरो। अब यहां पर देखिए बेटा, खाने पीने की वस्तुएं लिखी हैं आलू, प्याज, मटर, मूंगफली, मूली, मक्का, अरहर, चना और गाजर। इन वस्तुओं को आपको निर्धारित कालम में भरना है। ये कालम है कच्ची खाए जाने वाली, दूसरा है पकाकर खाए जाने वाली, और तीसरा है कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली। अब यहां पर एक वस्तु लेते हैं हम आलू, तो आलू बताइए इन तीनों में से कैसे खाते हैं इसको? पकाकर। तो इसको हम क्या करेंगे, आलू को पकाकर खाए जाने वाले खंड में लिखेंगे आलू। ठीक, आगे चले प्याज। कच्ची। प्याज कच्चा खाया जाता है और पका कर भी खाया जाता है, सब्जी में पकाते हैं, है ना? Yes. तो ये दोनों खंड में आएगा, यहाँ पर भी आएगा प्याज कच्चा खाए जाने वाले में भी, और पका कर खाए जाने वाले खंड में भी आएगा। मटर कच्ची और पकाकर खाने वाली चीज। बहुत बढ़िया, मटर भी कच्ची खाई जाती है और पका कर भी इसको खाते हैं। फिर मूंगफली, मूंगफली भी कच्ची खाई जाती है और पकाकर खाई जाती है। मूली केवल कच्ची खाई जाती है। क्या खाई जाती है? कच्ची। कच्ची खाई जाती है तो मूली। मक्का पकाकर खाया जाता है ना? Yes. और अरहर, अरहर को भी पकाकर ही खाया जाता है। चना कच्चा भी खाते हैं इसको और पकाकर भी। और गाजर, गाजर कच्चा ही खा लिया जाता है। तो आपको ये निर्धारित खंड थे, कालम थे, जिसमें आपको भरना था। ठीक है बेटा? Yes. प्रश्न क्रमांक दो, नीचे दिए गए प्रश्नों हेतु चार विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का टिक लगाओ। तो देखिए, पहला है खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। अब आपको खाना पकाते हैं आपके घर में, या आपको खाना पकाना है, तो इन साधनों में से कौन सा साधन सबसे अच्छा रहेगा? क्या आप लकड़ी को चूल्हे में जलाकर खाना पकाना आपको अच्छा लगेगा, या गैस वाला जो चूल्हा है, गैस चूल्हा, उसमें आपको खाना पकाना सबसे अच्छा रहेगा, या कोयला की सिरड़ी जलाएंगे और उसमें खाना पकाना अच्छा रहेगा, या फिर मिट्टी के तेल को स्टोव में भर करके हम खाना पकाएंगे तो वो साधन सबसे अच्छा रहेगा? तो बताइए कौन सा है बेटा? गैस। बहुत बढ़िया, गैस। गैस चूल्हे में खाना पकाना सबसे उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा होता है। देखिए, लकड़ी से जब खाना पकाते हैं तो धुआं होता है धुआं, है ना? और दूसरी बात, लकड़ी को जलाने के लिए हमको बार बार फूंक भी मारना पड़ता है। कोयले में भी धुआं फैलता है जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचता है ना? तो वातावरण को नुकसान ना पहुंचे इसे तो हमें गैस में खाना पकाना चाहिए। मिट्टी के तेल में भी जब उसको हम ये करते हैं, मतलब स्टोव में भर करके जब जलाते हैं तो उसमें कुछ तो कार्बन भी निकलता है, और उसमें हमको हवा भरने की जरूरत पड़ती है काय में, स्टोव वगैरह में, तो हमको काफी दिक्कतें होती है। परंतु गैस एक ऐसा साधन है जिसमें ना तो किसी प्रकार का धुआं निकलता और ना ही हमें उसे जलाने में कोई दिक्कत है। बड़े आसानी से एक बार गैस चूल्हे को लाइटर से चालू कर दो और खाना आराम से बनते रहता है। तो सबसे उपयुक्त साधन क्या कहलाएगा? प्रश्न क्रमांक दो, बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। पहला है ये ट्रक से, बी बस से, सी एम्बुलेंस से, और सी ट्रेन से। एम्बुलेंस से पहुंचा जाता है। देखिए, जो भी व्यक्ति बीमार होता है तो उस बीमार को अस्पताल तक एम्बुलेंस गाड़ी द्वारा पहुंचाया जाता है। ट्रक सामान लाने ले जाने के काम में आता है, बस यात्रियों के आने जाने के लिए होती है, और ट्रेन भी यात्रियों के आने जाने के लिए होती है।
एम्बुलेंस केवल मरीज लोगों को अस्पताल तक ले जाने के लिए होती है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बहुत दूर बैठे व्यक्ति से हम खाली स्थान से बात कर सकते हैं, टेलीफोन। वेरी गुड, टेलीफोन से बात कर सकते हैं। अगर किसी टेलीफोन लिखा है वो भी सही है, अगर किसी ने मोबाइल फोन लिखा है तो वो भी सही है। दूसरा, जंगली पौधों को पानी खाली स्थान से मिलता है। जो जंगल में जो पौधे उगे हुए होते हैं उनको तो कोई पानी सींचता नहीं है, तो फिर उनको पानी कहाँ से प्राप्त होता है बताइए? जमीन। बहुत बढ़िया, जमीन के भीतर से पानी होता है, पर तो जमीन के भीतर पानी कहाँ से आता है? बरसात से आता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने जमीन से लिखा है तो भी सही है, बरसात से लिखा है तो भी सही है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलान कीजिए। ट्रक के सामने का कृषि कार्य करने हेतु, ट्रैक्टर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रेन दिव्यांग लोगों के लिए, और तिपैया साइकिल माल ढोने के काम। इस सही जोड़ी को कौन यहाँ पर आकर के मिलान करेगा? चलिए, पाने ने हाथ ऊपर किया है, आ जाओ बेटा और मिलान करो। बहुत बढ़िया बेटा। ट्रैक्टर का होगा कृषि कार्य करने हेतु। बहुत बढ़िया। ट्रेन को यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हाँ। और तिपैया साइकिल द्वीआर लोगों के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। सही मिलान कर ली पाने, देखो ट्रक जो है वो माल ढोने के काम में आते हैं, अर्थात सामान ढोने के काम में आते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग हम कृषि कार्यों में अर्थात खेती किसानी करने में इसका उपयोग करते हैं। ट्रेन यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और तिपैया जो साइकिल होती है, तीन चक्कों वाली साइकिल, ये साइकिल दिव्यांग लोगों के लिए उपयोग में लाई जाती है। दिव्यांग कौन होते बेटा? ऐसे लोग जो अपने हाथ पैरों से या किसी अंग से थोड़े से हीन हो, कमजोर हो, ऐसे लोगों को हम दिव्यांग लोग कहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम तिपैया साइकिल का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा तिपैया साइकिल? बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए कथनों में जो सत्य हो उन पर सही और जो गलत हो उन पर गलत का चिन्ह लगाओ। अब यहां देखिए, पहला है, सौर ऊर्जा से खाना पकाना बहुत सस्ता होता है। सही है कि गलत है बताइए? सही। सही है। क्यों सही है? कि देखिए, सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है, जो धूप है, उससे हम सोलर कुकर के माध्यम से खाना पकाते हैं। एक सोलर कुकर होता बेटा, एक ऐसा यंत्र होता है जो कि धूप में रख दिया जाता है, और वो धूप के जो मिली हुई गर्मी है, जो उसकी धूप है, उसको एकत्रित करके वहां के अंदर के बर्तन को इतना गर्म कर देता है जिससे कि खाना बड़े आराम से पक जाता है। तो देखिए, सोलर कुकर में हमें किसी प्रकार के भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही हमें गैस की आवश्यकता होती, ना ही हमें कोयले की, ना ही लकड़ी की, और ना ही मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। तो बड़ा सस्ता साधन है ये वाला, ये बात एकदम सही है। आगे चले, बच्चे विद्यालय जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। देखिए, जो बच्चे लोग होते हैं क्या वो बैलगाड़ी से स्कूल आते हैं? तो ये बात गलत है कि सही है? गलत है। विद्यालय आने के लिए हम साइकिल का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, और कुछ लोग कार का उपयोग भी करते हैं, परंतु या बड़े बड़े जो विद्यालय है उनमें स्कूल बस चलती है, उसका भी उपयोग होता है, परंतु बैलगाड़ी का उपयोग नहीं होता। तो यह गलत था। प्रश्न क्रमांक 6, खाना पकाने के लिए किन किन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, नाम लिखो। अब आपको बताना है कि खाना पकाने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग हम घर में करते हैं। हाँ मुस्कान, आ जाइए बेटा बताइए। खाना पकाने के लिए हमें
गंजी, चम्मच और प्लेट की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और कौन बताएगा? हाँ पावनी बताएगी, और बता बेटा। खाना पकाने के लिए हम गंजी, चम्मच, हाँ, झारा, हाँ, कढ़ाई, हाँ, प्लेट, हाँ, कुकर, हाँ, आदि का प्रयोग करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। वेल डन। तो देखिए, अभी पावनी ने बताया कि खाना पकाने के लिए किन चीजों की हमको जरूरत होती है। खाना पकाने के लिए भैया हम लोगों को गंजी की जरूरत पड़ती है, उसमें चावल और सब्जी बनाई जाती है। फिर चावल और सब्जी को उलट पुलट करने के लिए हमको काली जरूरत पड़ती है, चम्मच की जरूरत पड़ती है। गंजी में जो सामान होता है, मतलब जो भोजन पदार्थ होता है, उसको ढाकने के लिए तवे की जरूरत पड़ती है, प्लेट की, है ना। रोटी बनाने के लिए तवे की जरूरत पड़ती है, और पूरी तलने के लिए हमको कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। कभी कभी चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए हमें कुकर की जरूरत भी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे बर्तन है जिसकी जरूरत हमें खाना पकाने के लिए पड़ती है। अगला प्रश्न है बेटा, बच्चों को टीका लगना क्यों जरूरी है? बताइए, कौन आगे बता गया? बच्चों को टीका लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां उससे नहीं फैलती। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कौन बताएगा? सुनम आ जाओ। बच्चों को टीका लगना क्यों जरूरी है? क्योंकि बीमारियां बीमारी नहीं होती। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस तरह से आप लोगों ने बताया कि बच्चों को टीका लगना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है टीका लगना, बच्चों को टीका लगना बहुत जरूरी है क्योंकि टीके लगने से कई तरह की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हमको नहीं होती है, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं, है ना। yes. पुराने जमाने में जब बच्चों को टीके नहीं लगते थे तो उनको आगे चलकर कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता था, परंतु आज विज्ञान की वजह से बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए उसके टीके पहले ही बन जाते हैं और बच्चों को लगा दिए जाते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 8, आपके परिवार में कौन कौन लोग कौन कौन सा काम करते हैं, लिखो। तो बताइए, कौन बताएगा? हमारे घर के पापा जी खेती किसानी, हाँ? हमारी माँ घर का काम, हाँ? हमारी दीदी और भैया पढ़ाई, हाँ? और हम भी पढ़ाई। बहुत बड़ी बड़ा शाबाश। अब इस बात कौन बताएगा? अपनी पावनी बताएगी। आ जाओ बेटा। हमारे घर हमारे दादाजी खेती किसानी करते हैं, हाँ? हमारी दादी दुकान देखती है, हाँ? हमारे पिताजी शिक्षक हैं, हाँ? और विद्यालय में पढ़ाते हैं, हाँ? और हमारी मम्मी घर का काम संभालती है, हाँ? हमारी दीदी भैया और हम पढ़ाई करते हैं। हमारी मम्मी घर का काम काज करती है, हाँ? हमारे पापा खेत में काम करते हैं, हाँ? और हमारी बहन, हम और हमारे भैया पढ़ाई करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के परिवार में जो व्यक्ति जो जो काम भी करता है उसके बारे में आपने बताया बेटा, ऐसा लिखा भी है, बहुत अच्छी बात है, है ना। और आपको भी खूब पढ़ाई करना है और बहुत आगे बढ़ना है। तो ये था आपका मूल्यांकन और आप लोगों ने इसको हल किया है ना। अगले टेस्ट में किसी प्रकार की भी गलती ना हो इस बात का ध्यान रखना है। कुछ जगह आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट के लिए आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलिए बोलिए, जय हिंद।